प्यारे बच्चों, क्लास इलेवेंथ विषय भूगोल, तीन किताब आप लोग को पढ़ना है। पहला किताब में 14 चैप्टर तक क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से हम लोगों ने 7 चैप्टर तक कर लिया है। इस वीडियो में 8 से लेकर 14 तक कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो लंबा होगा, इसीलिए हम धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे। आप लोग इसको देख लीजिएगा, सारे ऑफिशियल महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। सेकेंड किताब जो है उससे आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, उसको आप लोग कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और तीसरा प्रायोगिक है। तो चलिए हम लोग नया कुछ सीखते हैं, और चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चैप्टर 8 से आपका शुरू है, पृथ्वी का आकार कैसा है। तो भू आम का, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य ताप। पृथ्वी के तल पर पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में आता है, लघु तरंग दैर्ध्य। पार्थिव विकिरण होता है दीर्घ तरंग दैर्ध्य। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, इस गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर स्थित होती है, इस स्थिति को किस नाम से जानते हैं, अपसौर। पृथ्वी परिक्रमा के दौरान सूर्य में सबसे अधिक दूर पर किस तिथि को स्थित होती है, 4 जुलाई। पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ लाख किलोमीटर दूर किस तिथि को होती है, तो 3 जनवरी को। धरातल पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा कटिबंधीय में कितना है, 320 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर। तो बच्चों, इसी तरह हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। आप लोग जो आपका ब्लू रंग का है वही आंसर है, उसको आप लोग बढ़िया से नोट डाउन करते जाइए, या एक एक नज़र देख देख के याद करते जाइए। वीडियो चूँकि काहे बहुत लंबा हो जाएगा और समय है नहीं, मैं जल्दी जल्दी इसको रात में तैयार किया हूँ, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भिड़ जाए और आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए। पहला चैप्टर समाप्त हो गया बच्चों, ये दूसरा चैप्टर है, सॉरी 9वां चैप्टर, 8वां समाप्त हो गया।
दसवां चैप्टर यहाँ से शुरू है बच्चों। ग्यारह चैप्टर यहाँ से शुरू है। बारहवां चैप्टर है यहाँ से स्टार्ट।
बच्चों, ये लाल वाला जो है आंसर है, ब्लू वाला जो है आपका आसमानी कलर का वो क्वेश्चन है। ब्लू वाला क्वेश्चन है और लाल वाला आंसर है।
बच्चों, ये थे आपके पहला किताब से चैप्टर 8 से 14 तक के प्रश्न। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जरूर इसको देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो टेलीग्राम ग्रुप पर क्वेश्चन जरूर भेज दीजिएगा, ताकि मैं आंसर करके आपको बता दूं और आप लोग मिला लें कितना आप लोगों ने सही किया। तो चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएँ, आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए।